जा रहे हैं लूलो और अभी बज रहे हैं 2:30। चलिए लूलो में मिलते हैं, है ना यामा? हाँ। चलो। हेलो गाइस, अभी हम लोग लूलू आ चुके हैं। अभी देखते हैं मम्मी डैडी क्या क्या सामान लेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 12 रियाल का है ना बादाम, और ये क्या है, ये स्वीट है, ये गिफ्ट रैप है, है ना? ये किसी को घर लेकर जाने का। और ये भी देखो कितना अच्छा है, क्या है, पर ये अंदर से अच्छी नहीं होगी ना खाने में। अच्छा है ये, किसी के घर लेकर जा सकते हो। 9 रियाल का है, भज्जा। और क्या है ये स्वीट है न्यामा, मिठाई है, मिठाई बस यही सब है ना, ड्राई फ्रूट। यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये भी चॉकलेट है ना। हाँ बोलो। हमें क्या, हम लोग चीज़ एक ये चीज़ ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे सारे बर्तन है, यहाँ पे भी है, एक प्लेट है। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ, कॉइंस, उसे तुम गम खरीदो, गम बॉय है ना। हाँ ये मटका है, ये सीमेंट से बना है, सीमेंट। ये तुम हो या मैं हूँ? तुम हो या मैं हूँ? नहीं ये मैं हूँ, ये तुम हो? नहीं ये तुम हो। शर्मा रही हूँ। आप ले सकते हो कितने का है ये? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी के अच्छे गुजर रहे होंगे और सब लोग सेहतमंद होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और सारी परेशानियों से दूर होंगे। आज मैंने सोचा ना कि फिर अपने फ्राइडे वाले रूटीन पर आ जाती हूँ। बहुत दिनों से मैंने अपना फ्राइडे रूटीन आपसे नहीं शेयर किया, वैसे वाला तो नहीं होगा, ये वाला फ्राइडे रूटीन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी सहरी, मज़ेदार सी अफ्तारी। और कल क्या है कि हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे हैं, वो 3 लोग ही है मतलब घर पर आ रहे हैं रोज़ा खोलने के लिए, तो मैंने सोचा कि लूलू जाते हैं और थोड़ी सी ना ग्रॉसरी कर कर आते हैं ताकि मैं कुछ मज़े का ना फ्राइडे के दिन अफ्तारी में बना सकूँ। यहाँ पर ना मैं सारी चीज़ें देख रही थी इसलिए मैं भूल गई कि मुझे बोलना क्या है। भैया जी, एक दही बड़ा, एक समोसा चाट। यहाँ पर जब हम आए तो पूरे 3 बज चुके थे और सामान खरीदते हुए ना 4:30 बज गए थे। अब बचा था अफ्तारी में 1.5 घंटा। तो और मैं यही सोच रही थी कि मैं घर जाकर ये सारी चीज़ें कैसे करूँगी, एक तो सामान रखना है और फिर मुझे अफ्तारी बनानी है। तो फिर मैंने सोचा यहीं से मैं चाट ले लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं ली। अच्छा, पहले ना ये वाला सेटअप नहीं था, इन्होंने यही साल लगाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। सारी चीज़ें देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी टेस्टी नहीं होती। पर केजी, आधा किलो, पाव किलो, कितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मगर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने ना पहले टेस्ट कर चुका है कि इतना कोई ना मज़े का नहीं होता है। बेचारे जो बैचलर होते हैं ना, उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है लूलू में आकर ये सारी चीज़ें ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चों का आज दिल था कि ना वो ब्लॉगिंग करते हैं, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज ये ज़िम्मा तुम लोग ही उठा लो। तो यहाँ पर बस ना ये लोग मस्ती भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, इन दोनों की ना बहुत जमती है, मतलब ना इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भी ना ये लोग कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, इनकी मतलब की चीज़ होगी ना वहाँ पर ये रुक जाते हैं। अभी हम लोग तैयारी करें क्योंकि कल डैडी की फ्रेंड लोग की रमज़ान पार्टी है।
अभी बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी बहुत कम टाइम है अफ्तारी को। तो मम्मी क्या बनाओगे? अभी हम लोग ने वहाँ से लिए है समोसा चाट और दही बड़े, वो लिए हैं। अभी जाकर घर पर देखते हैं क्या, और रोल भी है ना। हाँ। तो घर पर जाकर देखते हैं अभी क्या करना है। और डैडी करेंगे क्या, फ्रूट चाट? फ्रूट चाट, क्योंकि सिर्फ डैडी खाते हैं फ्रूट चाट और कोई नहीं खाता है। और फिर अफ्तारी का भी बताएंगे हम लोग, और कल सैरी का भी, और कल डैडी के फ्रेंड की क्या है अफ्तारी की दावत है। तो मैं कल पूरा जो है ना वो रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी शेयर करेंगे। और आज नियामा का रोज़ा नहीं है। आज नियामा का रोज़ा नहीं है। घर पर जाकर अभी हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे सारी चीज़ों की, और सबजन मदद करेंगे है ना। पहले नमाज पढ़ेंगे असर की, और फिर हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। चलो फिर इंशाल्लाह भी हम लोग। और कल क्या बनाने का है? कल दाल पालक, दाल वहाँ, दाल आलू, दाल मटर, चने की दाल, बिरयानी, कोफ्ते, होटल वाला ऑर्डर थोड़ी ना ले रहे हैं। कल बनाएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, इतनी सारी नहीं बन सकती है एक साथ, थोड़ी बहुत बनाएंगे, मगर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है कल इंशाल्लाह, देखना नहीं भूलना तुम लोग। और अभी घर चल के बताना। चलो फिर आराम से। क्या बना रहे हो? अभी मैं चना बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, बॉईल करके चना रखी थी ना, वो फटाफट से बनाती हूँ। और आलू की भुजिया, ठीक है? देखिए मम्मी पकौड़े फ्राई कर रहे हैं, जो कि नियामा भी खाएगी, है ना? हाँ। मजेदार। चलो अभी मैं फ्राई करती हूँ। अभी देखिए मम्मी ने जल्दी जल्दी में क्या क्या बनाया। ये हम लोग ने बाहर से लाए, ये मम्मी ने चना घर पे बनाया, और ये बाहर से लुलू से लाए। और ये मैंने अभी बनाया फ्रूट चाट जूस, और ये आज की हमारी अफ्तारी है ना। हाँ। जल्दी जल्दी हम लोग रोज़ा खोलते हैं, जमजम का है, खजूर तो है, जमजम भी ले लो। और चलो फिर जल्दी से रोज़ा खोलने के बाद में फिर आंगन में आते हैं। ये रहा जमजम। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम हो चुका है, फिर से मैं किचन में आ गई। और इस बार ना मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी ना बच्चों को सहरी बनाकर दे दूं, ताकि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। मैं बहुत थक गई थी और मैं यही सोच रही थी कि इनको ना सहरी देकर फिर से मुझे किचन में जाना है, और थोड़ी बहुत चीज़ें ना मुझे तैयार करके कल के लिए रख देनी है। तो फिर क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए, इतनी कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक जन होता है ना काम करने वाला, तो फिर थोड़ी चीज़ें आपको पहले से करके रख लेना होता है, एकदम से एक साथ से आप नहीं कर सकते हो। तो यही मैं कर रही हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ों को मैरिनेट करना है, कुछ को मसाला लगा कर रखना है, ये सारी चीज़ें कर लूँगी ना तो फिर बहुत आराम हो जाएगा। कल फ्राइडे है, मतलब जोहर से लेकर असर तक तो कैसा गुजरेगा वो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर ना बच्चों को मैं सैंडविच बनाकर दे रही हूँ, इन्होंने ना जब अफ्तारी के बाद ना खाना वगैरह भी इतना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि चलो जैन रोज़ा, नुमा भी रोज़ा रखेगी, और नियामा का तो फिर जब दिल होगा तो वो रख लेगी, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से रखती है रोज़ा, क्योंकि ना बच्चों का यही वाली उम्र होती है जब इनको प्रैक्टिस करने के लिए ना रोज़ा रखाया जाता है, भले इसे आधा दिन का, मगर मैं रखाती हूँ कि चलो भाई रख लो ना रोज़ा, रख लो नियामा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। तो फिर नियामा जो है ना वो रख लेती है अल्हम्दुलिल्लाह से। बच्चे जब देखते हैं ना ये सारी चीज़ें बचपन से तो सीख जाते हैं, तो उनका भी दिल होता है, तो वो पिछले साल से ही अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा रख रही है, तो इस साल भी रख रही है। इस बार ना क्या हो गया, उससे पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से ना ये वाले रोज़े ना थोड़ा वो रखने डरती है कि मम्मी मैं पानी तो पी रही हूँ ना, बस यही वाली बात है। तो फिर खैर नियामा का भी सैंडविच बन गया, अगर उसे रोज़ा रखना होगा तो क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह से खा पी के ना वो रोज़ा रख लेगी। यहाँ बच्चों के लिए ना मैंने एकदम झटपट वाला ना सैंडविच बना लिया, आपने देखा मैंने क्या कुछ डाला, स्प्रेड लगा दिया, केचप लगा दिया, चिकन मैंने डाल दी, जो जो मेरे पास था ना वो मैंने सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया। और ये देखिए ये मैं क्या लेकर आई हूँ, फेनिया लेकर आई हूँ लुलू से। अच्छा इसके पीछे भी एक बात है, ये मुझे नहीं पता था, मैंने कभी इंडिया में नहीं खाई थी, अब तो खैर मैं देखती हूँ कि वहाँ पर भी बहुत मिलती, पहले भी मिलती थी, पर मुझे नहीं पता था।
मेरी एक फ्रेंड थी पाकिस्तान से, जिसने मुझे ये ला कर दिया था और उसने मुझे ये भी बताया था कि इसे खाते कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। तो उसने मुझे खाना भी बताया था कि इसे गरम गरम दूध में डालकर खाते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है। तब से ना मैं इसे ज़रूर रमज़ान में लेकर आती हूँ और एक से दो बार तो ज़रूर खाती हूँ और उसे याद भी करती हूँ। तो ये थी भाई ये फेनियों की स्टोरी, कि मुझे नहीं पता था ये क्या होती है। यहाँ पर हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बन रहा है, मैं भी यही खा लूँगी और फिर क्या करूँगी, वापस से किचन में आऊँगी। बहुत सारे काम है मुझे, आने वाले तो तीन ही लोग हैं मगर ना बहुत सारे काम होते हैं ना। और यहाँ पर मज़ेदार सी बच्चों की भी सैंडविच बन गई, ये भी खा लेंगे फिर सो जाएँगे, फिर मैं नमाज़ वगैरह अदा करूँगी फजर की, फिर ना मैं सो जाऊँगी और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे सुबह मिलूँगी, बहुत सारी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। छोटा सा ब्लॉग था और आज मेरे बच्चों की ब्लॉगिंग आपको कैसी लगी ये मुझे बताना ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर, अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।